हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमाज ऑल इन वन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बर्गर वाली आलू टिक्की, जो बहुत ही इजी तरीके से आज हम बनाने वाले हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर हम बनाने वाले। आप देख सकते हैं हमने कितने कम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसी से आज हम बर्गर वाली आलू टिक्की बनाने वाले हैं। तो चलो बिना वक्त जाया करते हुए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है जिसके अंदर हमने मैश किए हुए पोटैटोज लेंगे। पोटैटोज को हमने अच्छे तरीके से मैश करके लेना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे एकदम बारीक चॉप की हुई चिली, ये आपको जिस तरीके से तीखा पसंद है उस हिसाब से डालिए। यहाँ पर हमने मीडियम साइज के दो मिर्ची बारीक कट कर लिए है और दो मीडियम साइज के आलू बॉईल करके यहाँ पर हमने मैश करके लिए है। और यहाँ पर मैंने कद्दू कस की हुई अदरक ली है, एकदम इतने 1 इंच की ली है, लेकिन आप इसको बारीक चॉप कर भी ले सकते हैं। ये हम इसके अंदर डालेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर लेंगे राइस फ्लोर, यहाँ पर हमने राइस फ्लोर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसके अंदर और इसे मिक्स करेंगे। 1/2 कप इसके अंदर हमने राइस फ्लोर लिया है और इसके बाद हम इसके अंदर लेंगे स्वाद अनुसार नमक, और स्वाद अनुसार नमक इसके अंदर हम डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसकी टिक्कियां तैयार करेंगे। यहाँ पर हम इसकी टिक्कियां बना रहे हैं, इसको आप बिना बर्गर में डालकर भी ऐसे ही खा सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी टिक्कियां बना कर ले सकते हैं, ले ले। और फिर इसको हम फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर हमने फ्राई करने के लिए थोड़ा सा एकदम ऑयल लिया है। इसके अंदर हम शैलो फ्राई करेंगे टिक्कियों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल यहाँ पर हमारा गरम हो चुका है। इसके अंदर हम एक एक करके टिक्कियां फ्राई होने के लिए डाल देंगे। यहाँ पर हमने एकदम थोड़ा सा ऑयल लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें इन टिक्कियों को शैलो फ्राई करना है, इसलिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है। हम टिक्कियों को 1 साइड से अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे, फिर इसके दूसरी साइड को हम फ्राई होने के लिए पलट देंगे। इसकी 1 साइड फ्राई हो चुकी है जैसे आप साइड से देख सकते हैं, अब इसको हम पलट देंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। क्रिस्पी, टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसको बर्गर के अंदर डालकर खाइए या इसको इसी तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर हमारी बर्गर वाली आलू टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।